दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में हैं और आज उन्होंने आज तक के खास कार्यक्रम में अपनी राय भी रखी अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन इस बीच में बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। आज तक के गुजरात के जो चुनावी एजेंडा है उस बारे में उन्होंने बताया और इन सबके बीच में एक गंभीर आरोप ये लगाया। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऑफर दिया कि गुजरात छोड़ो तो सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। ये केजरीवाल का बड़ा आरोप है कि गुजरात छोड़ने के बदले सत्येंद्र जैन को छोड़ने की बात बीजेपी कह रहे हैं। ये बीजेपी का ऑफर है। आज तक से खास बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में, उन पर बेहद गंभीर आरोप है और जेल में ही बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब केजरीवाल का नया दांव जगाया है कि आपको एक ऑफर मिला है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप गुजरात छोड़ दें तो वो सत्येंद्र जैन को छोड़ दें। इन लोगों ने मेरे पास ये ऑफर भेजा है कि अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे और सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। लेकिन गुजरात के लोगों ने मुझे अपना भाई माना है और कई गुजरात के लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं गुजरात के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता किसी हालत में। सो मैंने इनको सरासर मना कर दिया है और ये जो करना चाहें, जिसे गिरफ्तार करना चाहें, ये लोग कर सकते हैं। सर, ये लोग बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी ने। सर प्रूफ तो मांगेंगे आपसे? तो प्रूफ आप लोगों ने, जब मैंने कहा था ऑपरेशन लोटस हो रहा है दिल्ली में, मैंने कहा था मेरी सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ ऑफर किए हैं, 40 MLA को अप्रूव, तब आप प्रूफ मांग रहे थे। अब आप लोगों को प्रूफ मिल गया। तेलंगाना के अंदर जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनके, वो 3 लोग उन्होंने कहा उसमें स्टिंग ऑपरेशन जो आया है, वीडियो जो आया है उसमें कह रहे हैं कि 41 MLA को हमने दिल्ली में अप्रोच किया, दिल्ली में सरकार गिराने जा रहे हैं।